फैंस, क्या हाल है, कैसे सब लोग? तो भैया, एम्बापे की ट्रांसफ़र से अच्छा जो इंटरेस्टिंग है ना, वो देखने वाला है इस फुटबॉल की अभी रिसेंटली, वो है प्रीमियर लीग का टाइटल। उसके ऊपर बात करता हूँ। एम्बापे तो गया माँ चुगाने। बात ये है कि भैया, ये प्रीमियर लीग का टाइटल अब चला गया है अगर पे। अगर सारे फैंस अगर अगर कर रहे हैं, लिवरपूल के फैंस तो बोलते हैं अगर ऑस्टन विला हरा दे सिटी को और हम मैच जीत जाएं तो हम लोग जीत जाएंगे टाइटल। अगर, और सिटी फैंस ये बोलते हैं अगर हम जीत जाते हैं विला से तो यार हम लोग टाइटल जीत जाएंगे। तो यार, प्रीमियर लीग हर साल की तरह स्ट्रांग से स्ट्रांग और टफेस्ट और सबसे बड़ी लीग समझी जाती है, जो कि है, एंड तक जाती है, आखिरी डे तक जाती है। बाकी अगर बात करो बुंदेसलीगा, सीरिया और जैसे कि लालीगा, तो वहाँ पे भी इस तरह कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलता है जितना हर साल देखने को मिलता है प्रीमियर लीग में। लेकिन कुछ ही दफ़ा ऐसा हुआ है कि सिटी ने बड़ी लीड के साथ लीग जीत ली हो, ऐसा जैसे आज जैसे लालीगा ने इस दफ़ा किया है। लेकिन फुटबॉल में अभी अगर पे चली गई है कहानी, टाइटल अगर पे रुका हुआ है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरी मैच जो है हमने सिटी ने विला के अगेंस्ट खेलना है। स्टीवी जी जो लिवरपूल के एक्स प्लेयर है और मैनेजर है विला के, और वो किस तरीके से रोक पाता है भाई, किस तरीके से हैंडल कर पाएगा। बहुत हार्ड मैच होगा, बहुत टफ मैच होगा। और लिवरपूल का भी भाई कोई इजी मैच नहीं है, उनका भी हार्ड मैच है, लेकिन वो कल जीत गए। लेकिन अभी बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है लीग, तो ये देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीकेंड पे जाके कि प्रीमियर लीग कौन जीत पाता है, प्रीमियर लीग कौन जीतेगा। तो ये चीज़ें हैं भैया जो आज डिस्कस करनी थी। और एम्बापे वाली न्यूज़ पे तो यार मैं एक बात बताऊँ, सच अपने दिल की बात बताऊँ, मैं फेसबुक स्क्रॉल करता हूँ, जब मैं फेसबुक स्क्रॉल करता हूँ तो भैंचोद में ग्रुप वगैरह में यहाँ वहाँ सब जगह देखता हूँ कि भैंचोद रन, भैंचोद की मेडल फैन, भैंचोद रणडी रोना 2 साल से कर रहे हैं। एम्बापे आ रहा है, कल आ रहा है, ये आ रहा है, ट्रांसफर विंडो में इतने नखरे तो कोई लड़की भी नहीं करती, इतने पैसों में भी तो लड़की आ जाती है यार। और हालैंड की अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो वो भी ईजीली था, एक ट्रांसफर विंडो में जब बात चली सेकेंड ट्रांसफर विंडो तक आते आते वो डील डन हो गई, वो बंदा आ रहा है सिटी। ये होती है ट्रांसफ़र चीज़ें। और एम्बापे की न्यूज़ सुन के जब मैं देखता रहता हूँ, लोग बताते रहते हैं, मैड्रिड फैंस बोलते हैं कल आएगा, ये आएगा। देखो भाई, इसका ड्रीम क्लब है। अब बंदे का ड्रीम क्लब जब वो वहाँ से पीएसजी से नहीं आना चाह रहा या पीएसजी उसको नहीं छोड़ना चाह रहा, तो तुम्हें उसके पीछे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी टीम में अभी जो स्क्वाड है वो बहुत अच्छा है। हो सकता है तुम्हें रिप्लेसमेंट मिल जाए एम्बापे की, ठीक है, एम्बापे गुड प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन एम्बापे की अगर मैं बात करूं तो वो पीएसजी जैसी टीम को कैसे छोड़ सकता है जहां मैसी नेमार जैसे प्लेयर मौजूद हो, और कौन नहीं चाहेगा उनके साथ खेलना। लेकिन ये है कि वो अपना क्लब भी आना चाहता है, पैसे भी ऑफर कर रहा है, सब कुछ है, वहाँ चांसेस भी हैं, तो ठीक है भाई, सही है, मत सही है। लेकिन इनके रंडी रोने ख़त्म ही नहीं होते मैड्रिड फैंस के, तो देखते हैं क्या होता है ट्रांसफ़र विंडो में। लेकिन 2 ट्रांसफ़र विंडो से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि एम्बापे आ जा रहा है, एम्बापे कल आ रहा है, एम्बापे अब आएगा, एम्बापे टुमारो, डील डन हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अबे भाई, इतनी तो लड़की भी नखरे नहीं करती है। ऐसा लग रहा है एम्बापे को ये क्लब लेके नहीं आ रहे, एम्बापे से रिश्ता तय कर रहे हैं, और वो बंदा अपने फैसले नहीं ले पा रहा, छोटा है ना इसलिए अपने फैसले नहीं पा रहा। तो खैर, ये थे भाई आज की वीडियो तुम लोगों के लिए, और उम्मीद है भाई वीडियो अच्छी लगती होंगी मेरी। थोड़ा टाइम टेम थोड़ा सा मेरा वीडियो का शॉर्ट आउट होता है, थोड़ा मैं इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टॉपिक इतने ज़्यादा हॉट नहीं होते, जो मैं जितने होते हैं मैं उतने डिस्कशन कर लेता हूँ, और मैं इसमें मज़ीद कुछ ऐड नहीं कर सकता, मसाला नहीं बेच सकता। और मैं जितनी मेरी अच्छी वीडियोज़ होती हैं मैं इतनी ही लेंथ की बनाता हूँ, और हो सकता है भाई तुम्हें अच्छी लगती हो, तो अच्छी लगती हैं तो भैया चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और पेज पर भी लाइक कर लेना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।